Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में हम characteristics of cross product के बारे में डिस्कस करेंगे. Previous वीडियो में सिर्फ हमने cross product के बारे में डिस्कस किया और right hand rule के बारे में डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम characteristics के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहली characteristics जो हमने previously डिस्कस की थी वो A cross B is not equal to B क्रॉस ए. इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता. इट मींस वी नो दैट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस बी ए साइन ऑफ थीटा एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स has a maximum magnitude. एक ये property हो सकती है कि जब दो perpendicular vector हों it means angle 90 degree हो. जब angle 90 degree हो तो maximum magnitude show करेगा. A cross B vector is equal to ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री एंड एन यूनिट वेक्टर बिकम्स ए बी इंटू वन एंड एन वेक्टर इज इक्वल टू ए बी टू एन. इसका मतलब है जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों या राइट एंगल हों या 90 डिग्री एंगल पे हों तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को शो करेगा. इसी तरह जब हम यूनिट वेक्टर्स को देखते हैं यूनिट वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ आई जे एंड के तो उसमें हमें एक चीज़ नज़र आती है आई डॉट जे इज इक्वल टू के. ये हमें कैसे पता चला हम एक क्योंकि ये राइट एंगल होते हैं एक दूसरे के साथ आई जे एंड के. आई को जे की तरफ मूव करें आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के. जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर. क्योंकि आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ अनदर यूनिट वेक्टर आएगा. आपने यहाँ नोट किया कि हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन एंटी क्लॉकवाइज यूज़ की है. अगर हम क्लॉकवाइज यूज़ करें जे क्रॉस के जे क्रॉस आई बिकम्स माइनस के आई क्रॉस के बिकम्स माइनस जे के क्रॉस जे बिकम्स माइनस आई. ये पोर्शन किसी भी बुक में शो नहीं होता बट ये पोर्शन एंट्री टेस्ट में आस किया जा सकता है क्योंकि एंट्री टेस्ट में मोस्टली पजल्स और कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं तो हमें इनके कम्बिनेशन को याद करते हुए इनके कम्बिनेशन को जहन में रखना पड़ेगा ताकि हम नंबर या एग्ज़ाम्स में मार्क्स लूज ना कर सकें. इसी तरह जब दो पैरेलल वेक्टर्स हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका जो आंसर आएगा पैरेलल वेक्टर्स में साइन थीटा पे डिपेंड करेगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री और 180 डिग्री. ये पैरेलल वेक्टर्स को शो करता है तो इसमें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ ज़ीरो तो आंसर बिकम्स ए बी इंटू ज़ीरो तो ये नल वेक्टर बनेगा नल वेक्टर. और इसी तरह जब
एंगल 180 डिग्री हो तब भी नल वेक्टर बनेगा। जब दो वेक्टर्स ए और बी इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स ए वाई ए जी की फॉर्म में दिए हों, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। इसके लिए टू टेक्निक्स यूज होती हैं। फर्स्ट टेक्निक ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के क्रॉस मल्टीप्लाई बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। हमने प्रीवियसली देखा कि आई विल बी मल्टीप्लाइड बाय आई बिकम जीरो, आई विल बी मल्टीप्लाई बाय जे बिकम के, इट मीन्स ए एक्स बी वाई इंटू के, आई विल बी मल्टीप्लाइड बाय जे बिकम के, आई विल बी मल्टीप्लाई बाय के बिकम माइनस जे प्लस ए एक्स बी जी टू माइनस जे। इसी तरह ये कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा ऑल ऑफ दिस एलिमेंट से, ए वाई मल्टीप्लाई बाय जे, ए जे कंपोनेंट बिकम विल बी मल्टीप्लाइड बाय आई बिकम माइनस के प्लस ए वाई बी एक्स टू माइनस के, और ए वाई जे कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाई बाय जे बिकम जीरो, एंड जे कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय के बिकम आई ए वाई बी जी जे मल्टीप्लाई बाय के बिकम आई। इसी तरह के कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाई बाय ऑल ऑफ दिस एलिमेंट्स, ए जी मल्टीप्लाई बाय बी एक्स के मल्टीप्लाई बाय आई बिकम माइनस जे ए जी बी एक्स, हम इसको इस तरह भी अपनी आसानी के लिए देख सकते हैं आई जे एंड के, आई क्रॉस जे के, हेयर इज के क्रॉस आई बिकम जे, और इसी तरह ए जी बी वाई, बी वाई के क्रॉस जे बिकम माइनस आई, और के मल्टीप्लाई बाय के बिकम ज़ीरो। तो फाइनल आंसर हम इसमें से आई और आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को कॉमन लेके हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, जो कि इजीली हमें फाइंड आउट हो सकता है, और हम इसे बुक से या किसी सॉल्यूशन से हम मैच भी कर सकते हैं कि आया हमारा आंसर ठीक है या नहीं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वी विल कलेक्ट आई आई एंड आई, ए वाई बी जी, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई इंटू आई, सिमिलरली प्लस वी विल कलेक्ट जे कंपोनेंट ए जी बी एक्स एक्स माइनस ए एक्स बी जी इंटू जे प्लस, देन आई विल कलेक्ट के कंपोनेंट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के। दिस इज ए प्रोडक्ट
this is a vector product of two vectors or cross product of two vectors. हम इसको इस सॉल्यूशन को बुक से भी मैच कर सकते हैं जो कि 100% ट्रू है. इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का एक और मेथड भी होता है जो कि मोस्टली नहीं पढ़ाया जाता या मोस्टली एंट्री टेस्ट में हमें हमारे पास टाइम कम होता है और हमें फ़ौरन से सॉल्यूशन निकालना होता है. तो हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k है और बी वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 4j माइनस k. ये रैंडमली चोजन वैल्यू है. हम ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहते हैं. ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और रूल है. एक तो प्रीवियस जो हम अभी हमने सॉल्यूशन निकाला हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं और एक और आता है जो मॉड के जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. आई वी विल इन द फर्स्ट रो वी विल राइट I, j एंड k and in the second row we will write the first elements of a vector a 2 3 and 4 then in the third row we will write about elements of vector b here the coefficient is 1 1 4 and minus 1 we will solve like this I into delete this column because we are selecting I we need to delete this column and this row then we multiply 3 multiply minus 3 and minus 16 then minus formula j then delete this column and this row 2 multiply by minus 1 minus 2 and minus 4 plus k into then delete this column and this row and then become 2 multiplied by 4 8 minus 3. आज हमने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और काइंडली शेयर भी करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो ताकि उनके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी अच्छी रहे. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.